नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में आपके सामने है महिंद्रा स्कॉर्पियो का S5 वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, बेस वेरिएंट है लेकिन इसमें एसेसरीज एड ऑन कराने के बाद इसकी लुक काफी खतरनाक हो गई है। बात करते हैं इस वीडियो में कि इस गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज लगाई गई है और उन एसेसरीज के क्या क्या प्राइसेज हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फोग लैंप से। ये फोग लैंप इसमें इंस्टॉल कराया गया है, उसके चारों तरफ क्रोम एड ऑन कराया गया है। हेडलाइट के चारों तरफ क्रोम इंसर्ट किया गया है। फ्रंट ग्रिल पे बात करें तो इस गाड़ी में ब्लैक कलर की ग्रिल आती है लेकिन अब इस पे क्रोम इंसर्ट किया गया है। बहुत ही अच्छी लुक इस गाड़ी की लगती है। फ्रंट डिफ्यूजर इसमें एड ऑन किया गया है जो कि लुक को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है। एलॉय व्हील्स अगर इसमें और होते तो बात ही कुछ और हो जाती, लेकिन अब जितनी जिसकी इच्छा थी उतना ही उस मालिक ने इसमें पैसा लगाया है। फिर भी लगभग 65,000 से 70,000 रुपए इस गाड़ी में लगा दिए गए हैं। ये रेन वाइजर्स इसमें एड ऑन कराए गए हैं, रूफ रेल्स भी इसमें एड ऑन कराई गई हैं। डोर हैंडल्स पे क्रोम फिनिश आप देख सकते हैं, नहीं तो इस गाड़ी में ब्लैक कलर के हैंडल्स मिलते हैं। बैक लाइट पे भी आपको क्रोम मिल जाएगा, बैक डोर हैंडल पे भी क्रोम मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट एप्लिक पे भी क्रोम लगा देते तो और अच्छी लुक इसकी आ जाती। रियर स्पॉइलर इस गाड़ी में एड ऑन कराया गया है, काफ़ी अच्छी लुक देता है। पीछे से हर जगह आपको क्रोम देखने को मिलेगा, क्रोम का पूरा सेट इसमें लगता है तो वो हर जगह वैसे भी लगाया जाता है ताकि एक अच्छी सी लुक इस गाड़ी की बन जाए। आप देख सकते हैं ये है साइड लुक इस गाड़ी की। वैसे तो लुक के मामले में स्कॉर्पियो का जवाब नहीं है, बहुत ही अच्छी लुक इस गाड़ी की लगती है। बात करें इंटीरियर की तो डुअल टोन में एप्लिक्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। वुडन फिनिश का यूज इसमें किया गया है। लगभग 23,500 रुपये में ये सीट कवर का सेट और बकेट फिटिंग यानी कि दरवाज़ों पे जो अप्लिक की गई है ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाती हैं। ये इनसाइड लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक। स्टीयरिंग कवर, स्टीयरिंग के ऊपर भी वुडन फिनिश का यूज़, सेंटर कंसोल पे वुडन फिनिश का यूज़ आपको मिल जाता है। यही वुडन फिनिश का यूज़ आपको गियर के पास भी देखने को मिल जाएगा, पीछे एसी वेंट के ऊपर भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी लुक इस गाड़ी में एड ऑन कर देता है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप इंटीरियर की लुक इस गाड़ी की। ये बैक का दरवाज़ा है, वही सेम जैसे आगे एप्लिक यूज़ किया गया वही पीछे। ये सीट्स हैं पीछे की, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और डिज़ाइनफुल सीट्स इस गाड़ी में आपको दी गई हैं ताकि गाड़ी की लुक और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए और रियल में ये काम भी करता है। ये है सेंटर कंसोल का कवर। आप भी सोच रहे होंगे कि सेंटर कंसोल पे तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, ये उसका कवर यहाँ पीछे रखा था। सेम टोन में सबसे पीछे के सीट कवर्स भी आपको मिल जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।